दोस्तों आज दी जो वीडियो है वो मेडिकल नू लेके है। जदों मेडिकल नू लेके बहुत सारे एप्लीकेंट नू बहुत कंफ्यूजन रहिंदी है, चाहे वह स्टडी वीजे की एप्लीकेशन हो, चाहे वह स्पाउस ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन हो। बहुत सारे एप्लीकेंट नू लगता भी मेडिकल का वीजे नाल कोई लिंक है, जहाँ भी जदों साडा मेडिकल पास हो गया हुण साडा वीज़ा आ ही जाऊगा, चाहे वह स्टूडेंट होवे चाहे ओपन वर्क परमिट का एप्लीकेंट होवे। मोस्टली जदों उन्हां दी क्वेरी हुंदी है भी साडा मेडिकल पास हो गया कि नहीं है, हाँ अगर मेडिकल पास हो गया तो जी हुण तां साडा वीज़ा आ ही जाऊ। बट एक्चुअल दे विच अगर कोई गल करिए तां एक्चुअल दे विच इदां कुछ नहीं हुंदा। मेडिकल का डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है, उसका वीज़े दे नाल कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पहला हुंदा सी, अगर आपां स्टडी वीज़े की गल करिए, स्टडी वीज़े दे विच जदों SPP हुंदा सी उदों हुंदा सी भी बिना मेडिकल तो एप्लीकेशन लग जांदी सी। जदों मेडिकल रिक्वेस्ट आ जाती तो समझ लो स्टूडेंट नू वीज़ा मिल गया, कितना कितने असी भी स्टूडेंट नू कह दिता जाता सी हाँ जी तुहानू मेडिकल रिक्वेस्ट आ गई, हुण वीज़ा चांस भी बहुत अच्छे ने। सेम अगर गल करिए जो ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, ओपन वर्क परमिट दी एप्लीकेशन जिहड़ियां पहलां लगदियां सी उहनां दा मेडिकल बहुत लेट पास हुंदा सी, जां डिसीजन तो कई बार 2 महीने पहला मेडिकल पास हो जाता, कई बार 2 दिन पहला पास हुंदा। सो दूर दूर तक अगर आपां देखिए मेडिकल ते अप्रूवल दा, जो वीज़ा अप्रूवल दा कोई लेना देना नहीं। हुण जिहड़ियां ओपन वर्क परमिट दीआं फाइलां लगदियां उहनां दा जिहड़ा मेडिकल आ उह जदों एप्लीकेशन सबमिट हुंदी आ तां कुछ क टाइम बाद ही, कुछ क दिनां बाद ही उहदा जिहड़ा मेडिकल पास हो जांदा। सो मेडिकल दा डिपार्टमेंट अलग है, कदे भी इह चीज़ ना सोचो वी जे तुहाडा मेडिकल पास होगा तां तुहाडा वीज़ा आऊगा, इदां दा कुछ भी नहीं है। जे वीज़ा आउणा है तां उसदे मेडिकल तां चलो पास हो के आएगा, कई बार मेडिकल पास होने तो बाद भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। सो अगर आप गल करिए जिमें ओपन स्टूडेंट का, तुम्हें मैं ऑलरेडी दस चुका स्टूडेंट पहला हों SPP के भी स्टूडेंट का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया, मेडिकल रिक्वेस्ट आ गई तो कितना कितने जोड़े अपरूवल के चांस बद होंगे। हूँ चलो SDS के पहले ही मेडिकल नाल जाता। सेम अगर गल करिए ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन, इनकेस थोड़ी ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगी भी है, लगी भी एप्लीकेशन दे विच तुहाडा मेडिकल एक्सपायर हो गया, मेडिकल एक्सपायर होने तो बाद तुहानू दुबारा मेडिकल रिक्वेस्ट आउंदी है, फिर तुसीं कितना कितने उसका सोच सकते हो भी हुण मेडिकल रिक्वेस्ट आ गई तो हुण जिहड़ा तुहाडा डिसीजन जिहड़ा हैगा पॉजिटिव आ सकदा। सो यही मेन जिहड़ा हैगा, क्योंकि मेडिकल रिक्वेस्ट उदों आउंदी है जदों कितना ना कितने वीज़ा अफसर तुहाडी एप्लीकेशन दे उपर पॉजिटिव हुंदा, पॉजिटिव डिसीजन लैणा हुंदा। अगर उसने पॉजिटिव डिसीजन नहीं लैणा तां उही मौका हुंदा है कि उदों ही वह एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देता। बट जे तुहाडी फाइल च मेडिकल एक्सपायर हो गया तुहानू आउंदे तां कितना कितने एप्लीकेशन पॉजिटिव, बट सारियां नहीं। जे अगर देखिए तां उहदे विच वी कई बार हुंदा वी मेडिकल रिक्वेस्ट होण तों बाद वी वीज़ा जिहड़ा हैगा रिफ्यूज़ हो जाता। सो कदे भी ये मेडिकल नू लैके ये चीज़ ना दिमाग दे विच रखो वी मेडिकल दा साडे वीज़े नाल कोई लैणा देणा। दूजा जिहड़ा हुंदा एक चीज़ होर ध्यान च रखण वाली हुंदी है, कई बार तुहाडी एप्लीकेशन लगी है तुहाडा वीज़ा आ जाता, चाहे तो वह स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन है चाहे वह स्पाउस ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, उस तो बाद तुहाडा मेडिकल एक्सपायर हो जाता, तो कदे भी बिना मेडिकल करवाए ट्रैवल नहीं करना चाहिए। कई बार स्टूडेंट जी स्टे वाली रस्ते स्टे वाली टिकट ले लेंगे तो उत्थे बहुत प्रॉब्लम्स आउंदियां ने। मेडिकल जदों तुहाडा मेडिकल एक्सपायर हो जाता तो तुहाडी जिहड़ा पोर्टल के उपर डॉक्यूमेंट इज़ नॉट वैलिड आने लग जाता। सो वह कितना कितने जो जिथे तुसी स्टे लेती हो तुहानू अगे नहीं जान दिंदे सिर्फ उही रीजन करके। सो चाहे तुहाडी स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन है चाहे तुहाडी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, कदे भी अगर तुहाडे वीज़ा अप्लाई करने वेले तुहाडा मेडिकल वैलिड है, वीज़ा आ गया उदों भी है बट वीज़ा आने तो बाद कुछ दिन बाद एक्सपायर होगा जां होने वाला, तो कदे भी बिना मेडिकल करवाए ट्रैवल ना करो। एक गल होर इत्थे दसनी बनती है, कई बार मेडिकल रिक्वेस्ट एप्लीकेंट नूं आ जाती है। सो मेडिकल रिक्वेस्ट आ गई उस तो बाद मेडिकल करवा भी आता बट मेडिकल पास नहीं हुंदा। सो बार बार कंसल्टेंट नूं आके कहिंदा जी मेरा वैब फॉर्म भरो जी, मेरी ईमेल करो मेरा मेडिकल क्यों नहीं पास होया जी, कि तुसीं अपडेट नहीं किया। सो कदे भी जिहड़ा मेडिकल किसी कंसल्टेंट ने नहीं अपडेट करना हुंदा, मेडिकल जिहड़े पैनल फिजिशियन हैगे ने जिहड़े डॉक्टर तुहाडे हैगे ने जिन्हां तों मेडिकल करवाउंदे हो उहनां नूं CIC ने जिहड़ी गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा उहने हायर किया वा, तो डॉक्टर की जिहड़ी रिपोर्ट आ डायरैक्ट जो इमीग्रेशन जाती है हाई कमीशन जाती है उस दे विच जां तां एप्लीकेंट का ना कंसल्टेंट का कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर कई बार तो डॉक्टर भेजन दे विच लेट कर दिंदा, कई बार डॉक्टर भेज देंगे बट अगे वह पास करन वेले
ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉੱਥੇ CIC ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾਉਣ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਧਰੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।